मैं आपने से जानकर खुशी होगी कि आपके बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर। ये मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है वो सुदर्शन चक्र विश्व का सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है। उसका डायमीटर है 23 फीट। अब वो पूरा गोल्ड प्लेटेड स्टील में बनाया गया, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया गया। तो ये उसके बाद यहाँ पर जो मंदिर में आप देख रहे हैं, ये जगह इस स्थान पर मंदिर में कम से कम 10,000 भक्त एक साथ खड़े होकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर के निर्माण के लिए हम संसार से बहुत ही चुनी हुई चीजें लेकर आ रहे हैं। जैसे ये मार्बल लगा है, व्हाइट मार्बल, ये स्पेशल मार्बल है, वियतनाम से मंगाया गया है, जो पूरा मंदिर को कवर किया है। उसके बाद ये रेड मार्बल देख रहे हैं आप दीवार में थोड़ा थोड़ा लगा है, ये स्पेशल मार्बल है फ्रांस से, नेचुरल मार्बल मंगाया गया। और ये मंदिर में ऑल्टर में बाद में ब्लू कलर का एक मार्बल आएगा जो बोलिविया से मंगाया जा रहा है। तो इस प्रकार के स्पेशल चीजें हैं जो भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर का तीन नाम है। पहला नाम हमने सुना अद्भुत मंदिर, जो भगवान नित्यानंद प्रभु ने बताया अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, तो ये भगवान नित्यानंद प्रभु ने नाम दिया अद्भुत मंदिर। दूसरा नाम है इसका मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो मायापुर चंद्रोदय क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मायापुर चंद्र नाम है भगवान चैतन्य महाप्रभु का। जैसा वृंदावन चंद्र नाम है कृष्ण का, मायापुर चंद्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु का। तो मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो मायापुर चंद्र चैतन्य महाप्रभु उनका उदय हुआ यहाँ पर, मायापुर चंद्रोदय, इसलिए इसका नाम है मायापुर चंद्रोदय। और इसलिए जो बीच में जो अल्टर है वहां पर पंचतत्व आएंगे, पंचतत्व का विग्रह बीच में आएगा। और जो राइट हैंड साइड है दाएं हाथ में, वहां पर आपको राधा माधव अष्ट सखी वहां पर आएंगे। और बाएं हाथ में जो ऑल्टर है वहां पर हमारे 15 मुख्य आचार्य उनके विग्रह आएंगे। तो आप सभी ने प्रभुपाद जी का मूर्ति देखा होगा, और गौड़ीय मठ में गए होंगे आप, भक्ति सिद्धांत सरदेव ठाकुर देखे होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर की मूर्तियां देखी होंगी। लेकिन यहां पर हमारे 15 आचार्य है, सभी के मूर्तियां यहां पर आएंगी। तो ये इस ऑर्डर में इसलिए लगाया गया है कि जो हम भगवत ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो हमेशा आचार्यों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, गुरु परंपरा से। और गुरु परंपरा की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट समझने जाएंगे तो हमसे गलती होगी, इसलिए हमेशा ज्ञान जो है इस तरह से प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ये ऑल्टर इस प्रकार लगाया गया है। और यहां पर जो चार फ्लोर देख रहे हैं, ये चारों फ्लोर में भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं होंगी। तो हम सब चार फ्लोर तक जा सकते हैं जब मंदिर बन जाएगा, और वहां तक दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात है मंदिर का, जो ये आप डोम देख रहे हैं, ये डोम ऐसा खाली नहीं रहेगा। ये डोम के ऊपर से लेकर ये मंदिर के ऑल्टर के ऊपर तक एक बड़ा झूमर, तो बंगला में झाड़ बत्ती बोलते हैं, वैसा आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। और उसमें भगवान की पूरी सृष्टि कैसे होती है, नीचे सब पाताल लोग, 14 लोग दिखाए जाएंगे, पाताल लोग, फिर पृथ्वी लोग, फिर स्वर्ग लोग, जन लोग, महर लोग, तपलोक, ब्रह्म लोग, तो भगवान शिव जी का लोक, उसके ऊपर वैकुंठ, सबसे ऊपर कृष्ण का लोक गोलोक वृंदावन, फिर सूर्य चंद्र की परिक्रमाएं कैसे होती है, ये सब यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो श्रीमद भागवतम में बताया गया है। तो श्रीमद भागवतम के हिसाब से जो वास्तविक साइंस है, एक्चुअल साइंस, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके लिए इसका नाम है टेम्पल ऑफ वेदिक प्लेनेटोरियम। तो तीन नाम बताया मैंने, एक अद्भुत मंदिर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर और टेम्पल ऑफ वेदिक प्लेनेटोरियम। तो ये सर आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कल को कोई आपसे पूछेगा, आपसे बंगाल में है, आपके यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या है और इसका खासियत क्या है। तो इसका हाइट वगैरह मैंने बताया आपको, सब आप याद रखिए। तो ये मंदिर का निर्माण हम प्रयास कर रहे हैं 2023 तक कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये मंदिर शुरू हुआ था 2009 में, और 2009 में जब इसका हमने एस्टिमेशन किया था कितना होना चाहिए, तो 600 करोड़ निकला था। तो 600 करोड़ में से 300 करोड़ हमारे अम्बरीश प्रभु जो हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कार कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 300 करोड़ दान दिए थे। और 300 करोड़ पूरे संसार में सब लोग दान दे सकते, इसमें भाग ले सकते, इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया था। पर अब जैसे जैसे समय बन गया है,
15 साल और हो गए हैं, तो अब इसका दाम बढ़ के 1000 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो हम पूरे संसार में कलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य, हम मंदिर में कुछ सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, हमारे ऑफिस में अनेक स्कीम है, जो स्कीम में आप दे सकते हैं। आपको आज पैसा नहीं देना है, आज आप जाकर एक संकल्प पत्र है हमारे पास, संकल्प पत्र, प्लेज कार्ड, वो संकल्प पत्र आज ले सकते हैं आप, दिवाली के दिन संकल्प कर सकते हैं, और आप आने वाले 2 साल में थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई से थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप एक जगह पे खड़े, एक स्क्वायर फुट जगह पे आप खड़े होते हैं, आप ये एक स्क्वायर फुट दान देते हैं, 7000 रुपए एक स्क्वायर फुट है, तो ये 2 साल में आप अगर दान देते हैं तो एक महीने का 200 रुपया आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये 7000 रुपया दान देते हैं तो आपके दर्शन के बाद, आपके जाने के बाद जब हजारों हजारों लोग आकर वो एक स्क्वायर फुट में खड़े होकर दर्शन करेंगे, वो सबका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारे पास अनेक स्कीम है। आप ईट, ईट जो है ब्रिक्स, वो दान दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो पिलर लगे हैं इसके मटेरियल के लिए दान दे सकते हैं। ऐसे अनेक स्कीम है हमारे ऑफिस में, जो सब आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप दान दे सकते हैं। आज खाली आपको संकल्प पत्र भरना है। तो किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, जो सेवा करना चाहता है मंदिर के लिए वो आज पे दान दे सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं आपके पीछे में, ये हमारा मेन एंट्रेंस है, ये हमारा प्रमुख के प्रवेश द्वार, यहाँ से मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से इस सेंटर से लेकर जलंगी नदी तक, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जलंगी नदी है, वहां तक मेन रोड बनेगा, और वो मेन रोड के दोनों तरफ आपको गार्डन, फाउंटेन से सब रहेगा, और वहां से हमारा मेन एंट्रेंस होगा आगे आने वाले समय में। तो ये एक तरीके से पृथ्वी का एक और आश्चर्य बनेगा, नवा आश्चर्य आप बोल सकते हैं बनने वाला है। तो आप लोगों का किसी का कुछ प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं मंदिर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सब यहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। अभी जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं वो क्या तब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो विग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, भगवान की मूर्तियाँ सब यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्लोज होगा या उसका हम कुछ यूज करेंगे। तो आप सब